चालना देण्यासाठी बांधण्यात आलेली जी बेलापूर जेटी या ठिकाणी सुरू होते. बेलापूर ते भाऊचा धक्का या वॉटर टॅक्सीचं लोकार्पण आज या ठिकाणी संपन्न होत आहे. मी खास करून मेरीटाईम बोर्ड महाराष्ट्र आणि केंद्र सरकारचं मनापासून अभिनंदन करतो, त्यांना धन्यवाद देतो. जलवाहतूक हा अतिशय अत्यंत किफायतशीर, पर्यावरण स्नेही आणि वेळेची बचत करणारा पर्याय म्हणून या ठिकाणी जगभरामध्ये त्याचं वापर झालेला आहे. परंतु या ठिकाणी गेल्या अनेक वर्षापासून हा प्रलंबित असलेला प्रकल्प या ठिकाणी आज सुरू होत आहे. उशिरा का होईना, परंतु आपण त्याची सुरुवात आज करतो आहे. यावर केंद्रीय मंत्री महोदय जी उपस्थित है, मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि पिछले कई सालों से इसकी शुरुआत हुई थी. मेरे जानकारी के मुताबिक गडकरी साहब जब थे तो उन्होंने भी कई मीटिंग्स ली हुई थी और थाने, कल्याण डोंबिवली, नवी मुंबई, मुंबई ऐसे जो लोगों को, जो हमारे प्रवासी है, जो नागरिक है, उनको सहूलियत मिलनी चाहिए, उनको सुविधा मिलनी चाहिए. इसलिए आज जो रोड पर होने वाली ट्रैफिक कंजेशन है उसको ध्यान में रखते हुए ये वाटर ट्रांसपोर्ट एक पर्याय बहुत बड़ा साबित हो सकता है, लोगों को रिलीफ देने वाला. इसलिए कई बार कोशिश हुई, हमारे ठाणे कॉर्पोरेशन को नोडल एजेंसी के रूप में भी अपॉइंट किया गया था, लेकिन फिर बाद में कुछ कारणवश वो आगे नहीं बढ़ पाया है. लेकिन आज इसकी शुरुआत तो हुई है, ये अच्छी बात है. और इसलिए आगे जो अभी हमारे मित्र असलम जी ने कहा कि जो पहला फेज ठाणे से यहाँ पर आगे उसको भी मान्यता हुई है और निश्चित रूप से उसकी भी शुरुआत हो जाएगी फेज वाइज. और इसमें मेरे जानकारी के मुताबिक यहाँ जब भी मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे इससे जोड़ा जाएगा, भविष्य में मांडवा, अलीबाग जो वहाँ भी बड़े पैमाने पर पॉपुलेशन बढ़ रहा है और वहाँ पर अर्बनाइजेशन हो रहा है, और इसलिए ये ऐसे वाटर ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता है, जरूरत है. और राज्य सरकार हमारे मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन पे यहाँ पर मुख्यमंत्री भी उपस्थित है. या मुंबई MMR जो हमारे MMR में जो बढ़ता हुआ ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके लिए यहाँ पर आबादी बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं अन्य शहरों से, और उनको सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी देने की आवश्यकता है ये भी बहुत बड़े पैमाने पर देने की कोशिश यहाँ पर नवी मुंबई कॉर्पोरेशन है, सिडको है, MMRDA है, इसके माध्यम से, राज्य सरकार के माध्यम से यहाँ पर देने की कोशिश हो रही है. और इसमें भी ये सागरमाला योजना अंतर्गत यहाँ पर केंद्र सरकार ने 50%, राज्य सरकार का 50% ऐसा यहाँ पर इस प्रकल्प को हम लोग आगे लेके जा रहे हैं. और यहाँ पर बाजू में हमारे सिडको की भी जेटी है, सिडको ने भी बहुत अच्छी जेटी बनाई है, ज़्यादा पैसे लगाए हैं लेकिन बहुत अच्छी है, मतलब लोगों को सुविधा हो जाएगी. आज शुरुआत तो हो गई यहाँ पर अपने MMB और सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से, और एक अच्छी शुरुआत है, लोगों को फायदा हो जाएगा, समय की बचत होगी, ईंधन की बचत होगी, पोल्यूशन नहीं होगा, एक आरामदायी प्रवास जो है लोगों का हो सकता है. इसलिए मैं यहाँ पर फिर एक बार आपको धन्यवाद दूंगा. यहाँ पर JNPT भी है, यहाँ पर काफ़ी लोग बेलापुर JNPT के लिए जाते हैं, उनको भी आगे भविष्य में दूसरे प्रोजेक्ट में उनको फायदा हो जाएगा. और यहाँ नवी मुंबई, मुंबई, फिर वहाँ से कल्याण, डोंबिवली होके ठाणे, मीरा भाईंदर, वसई, ऐसा पूरा हमारा मुंबई, ऐसा पूरा लूप तैयार हो जाएगा. तो जैसे हम लोग मेट्रो का काम कर रहे हैं, रोड के ट्रैफिक के रोड बना रहे हैं, फ्लाईओवर बना रहे हैं, ऐसे ही यहाँ पर ये वाटर ट्रांसपोर्ट जो है बहुत ही फायदेमंद साबित होगा. और इसलिए और आज की एक शुरुआत, अच्छी शुरुआत है, इससे यात्रियों को काफ़ी फायदा हो जाएगा. हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी हमेशा
कहते हैं अभी यहाँ पर कोरोना का संकट भी हमारे सामने है, हम अभी भी उसको फेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी भी विकास प्रकल्प पर जो डेवलपमेंट शुरू है उसमें हम लोग ने कटौती नहीं की है। और इसलिए हमारी जो बाकी संस्था है, MMRDA है, सिडकुआ है, कॉरपोरेशन है, राज्य सरकार है, इसके माध्यम से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने की कोशिश हमारी सरकार की है। और इसलिए मैं मुख्यमंत्री महोदय जी, उप मुख्यमंत्री महोदय जी का भी धन्यवाद उनको देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और फिर एक बार यहाँ पर हमारे जो केंद्रीय मंत्री है सर्वानंद सोनोवाल जी, इनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पर चार्ज लेने के बाद पिछले कई सालों से जो प्रलंबित था विषय, इसे आपने आगे बढ़ाया है। आप सोनोवाल जी, आई थैंक यू फॉर एक्सटेंडिंग सपोर्ट टू दिस प्रोजेक्ट एंड हेल्पिंग द स्टेट गवर्नमेंट टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। और वंस अगेन आई थैंक सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर देयर हेल्प। और आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभारी है कि आप ऐसे ही काम करते रहो, करते रहो, क्योंकि ये महाराष्ट्र में हमारे 720 किलोमीटर का हमारा कोस्टल जोन है और इसमें हमें कई ऐसे फेजेस में हम लोग और काम कर सकते हैं। और हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे डिप्टी CM पूरी तरह कोऑपरेशन हमेशा करते रहेंगे। यही मैं यहाँ पर एक पालक मंत्री की हैसियत से, नगर विकास मंत्री की हैसियत से आपको आश्वस्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 India लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।